हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडिबुला पॉइंट। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट नंबर 10 क्लास 9 इंग्लिश की वर्कशीट है। टॉपिक है राइटिंग डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव लर्न्ड अबाउट डायरी राइटिंग। हमने डायरी राइटिंग सीखा था ना। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं सीखा है वो हमारी वीडियोस के माध्यम से वर्कशीट को देख सकते हैं। ठीक है, आज हम जो है राइटिंग सीखेंगे, पैराग्राफ्स कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर एक पैराग्राफ, इसको हम पढ़ते हैं। माय आंट सीमा रन्स अ क्लॉथ शॉप। मेरी आंटी सीमा है, वो एक कपड़े की दुकान चलाती है। शी इज टॉल फेयर, गोरी है, लंबी है। ठीक है, एंड लॉन्ग वेवी हेयर, उनके लंबे लंबे बाल है। शी हैज राउंड ब्लैक आईज, उनकी गोल काली आंखें हैं। शी ऑलवेज वेयर्स बैंगल्स, हमेशा बैंगल्स पहनती है अपने लेफ्ट रिस्ट पे, लेफ्ट हाथ पे, और राइट पे वो घड़ी पहनती है। शी इज स्वीट नेचर्ड एंड इज काइंड टू एवरीवन। स्वीट तो है, सबके प्रति काइंड भी है, सेंसिटिव है एनिमल्स के प्रति, और मैनी स्ट्रे डॉग्स को वो फीड कराती है, यानी खिलाती है डॉग्स को, और काउस को भी वो खिला सकती है। शी इज ऑलवेज पोलाइट टू ऑल, सभी से पोलाइटली बात करती है, चाहे वो कस्टमर ही क्यों ना हो और चाहे उसके स्टाफ क्यों ना हो। However, if need be, अगर जरूरत है, she can easily be firm, कभी भी जरूरत पड़ती है तो वो खड़ी रहती है, स्ट्रांग खड़ी रहती है लोगों के साथ। ठीक है, एंड जो उसके साथ जो उसको मूर्ख बनाने की कोशिश करते हैं उनके अगेंस्ट भी रहती है। शी ऑलवेज एनकरेज मी, वो हमेशा मुझे एनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है कि मैं खेलूं, गाइड करती है मुझे, ऑनलाइन क्लास में भी मदद करती है। She also brings a lot of toys for me. मेरे लिए बहुत सारे खिलौने खिलाती है और मैं अपनी आंटी को बहुत प्यार करती हूँ या देखता हूँ। Now try to complete the following sentences. चलिए, Dash runs cloth shop. Cloth shop कौन चलाता है? My aunt Seema. ठीक है, आप यहाँ लिख सकती हैं My aunt Seema. Her eyes are, उसकी आंखें कैसी हैं? राउंड ब्लैक, राउंड है एंड ब्लैक है। हर नेचर इज, उनका नेचर कैसा है? देखिए यहां लिखा होगा स्वीट नेचर है, स्वीट, बहुत ही स्वीट नेचर है। शी हेल्प्स द अथर इन, अथर को किसी जो मदद करती है बताइए, ऑनलाइन क्लास में ना, यहां लिखा है ना ऑनलाइन क्लास, इन इन प्लीज यहाँ जो भी ऑन है ऑर्डर इन ऑनलाइन ऑन लाइन क्लासेस। ठीक है, शी एनकरेज द ऑथर टू, एनकरेज करती किस लिए? टू प्ले स्पोर्ट्स, खेलो, खेल खेलो, प्ले स्पोर्ट्स। हर एटीट्यूड टुवर्ड्स एनिमल, एनिमल्स के प्रति उनका एटीट्यूड कैसा है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है सेंसिटिव है, बहुत ही सेंसिटिव एटीट्यूड है, बहुत ही सेंसिटिव उनके लिए। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब आइए देखिए, किसी के बारे में अगर आपको लिखना है तो तीन बातों को ध्यान रखना है, फिजिकल अपीयरेंस को बताना है, पर्सनैलिटी को बताना है, और फीलिंग्स एंड इमोशंस को जरूर बताना है। ये वर्ड्स हैं, These words which we have used to describe are non-adjective. जो भी words आ रहे हैं ना, brown eyes, straight nose, large mouth, thin lips, small ears, plump, well-built, husky, frail, sturdy, young, ये सब क्या है? Physical appearance को बताते हैं, यानी कैसा दिखता है कोई इंसान, male female baby, personality कैसी है, मतलब बंदा है कैसा, nature wise कैसे, affectionate है, amiable है, amiable है, या करेजियस है, हेल्दी है, स्टाउट है, चार्मिंग है, ब्राइट है, क्रिएटिव है, डायनेमिक है। एंड फीलिंग्स क्या है, वो किस तरह का है इंसान, एंग्री है, बोर्ड, एक्साइटेड, विटी, थैंकफुल, ये जो वर्ड्स आ रहे हैं यहाँ पे ये क्या है? एडजेक्टिव है। अब यहाँ लिखा कैन यू थिंक अ फ्यू वर्ड्स विच डिस्क्राइब यू, आप बताइएगा अपने बारे में कमेंट करके। जैसे मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी कि भाई मैं तो करेजियस हूँ, अगर मुझे अपने बारे में लिखना हो, मैं करेजियस हूँ, यस, चार्मिंग हूँ, खुश मिजाज हूँ,
ठीक है, क्रिएटिव भी हूँ, कुछ ना कुछ करना ही है, डायनेमिक हूँ, ठीक है, सेंसिटिव तो हूँ एनिमल्स को, तो ये सब है पर्सनालिटी। आप बताइएगा आप कैसे, तीन वर्ड्स आप लिखिएगा। नाउ सेंटेंस लुक कंप्लीटेड, पैराग्राफ में आपने देखा कि अकर के आंट के बारे में था, उनकी फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनालिटी एंड रिलेशनशिप विद अकर। यही पॉइंट पकड़ना है आपको, फिजिकल अपीयरेंस, पर्सनालिटी, फीलिंग्स एंड इमोशंस। पैराग्राफ लिखना है अपने मदर के बारे में, चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसे मैंने अपनी मदर के लिए लिखा है, माय मदर इज वेरी सिंपल लेडी, शी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन फॉर मी इन द वर्ल्ड, शी इज फेयर, गोरी है, कॉम्प्लेक्सली, शी हैज सॉफ्ट वॉइस, अच्छी आवाज है, उनकी सॉफ्ट आवाज है, उनकी आईज ब्राउन है, शी हैज ग्रे एंड व्हाइट हेयर, ग्रे व्हाइट हेयर है क्योंकि थोड़ा ओल्ड एज उसका है, शी इज क्वाइट हेल्दी, हाँ हेल्दी है, ठीक है, फिट है, शी इज वेरी हम्बल, विनम्र है, पोलाइट है, शी हेल्प्स ऑल द फैमिली मेंबर्स, सबकी मदद करती है, मेरी भी मदद करती है जब भी मुझे या हम सबको जरूरत होती है, शी हेल्प्स मी इन स्टडीज, मेरी पढ़ाई में मदद करती है, अगर मैं छोटी थी जबकि बात तो मैंने अभी लिखी है, शी ऑलवेज शोज अस द पाथ ऑफ ग्रोथ, हमें सच्चाई का रास्ता हमेशा दिखाती है, करेजियस तो है, डायनामिक लेडी भी है, शी इज अ गुड कुक, अच्छी कुक है, शी इज एन अमेबल पर्सन, शी इज वेरी क्रिएटिव पर्सन, क्रिएटिव है, कुछ ना कुछ नया करती रहती है, शी ऑलवेज ट्राइज टू डू समथिंग, ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है, शी हेल्प्स नेबर्स, पड़ोसियों की मदद करती है, जरूरतमंद लोगों की मदद करती है, शी इज ऑल्सो अ रिलीजियस लेडी, धार्मिक लेडी है, टेम्पल जाती है, रोज मंदिर जाती है सुबह, शी इज अ गुड नेचर, अच्छे नेचर की और चीयरफुल लेडी, खुश मिजाज है, खुश रहती है, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास बहुत है उनमें, और कोई भी प्रॉब्लम है उनको फेस करने के लिए तैयार रहती है लाइफ में, और इजिली हैंडल भी कर लेती है सिचुएशंस को, शी इज रियली अ नाइस लेडी, बहुत अच्छी लेडी है, आई एम प्राउड ऑफ माय मदर। इस तरह से आप अपने मदर के बारे में लिख सकते हैं, और एक लाइन बहुत अच्छी सी लाइन को बताइएगा अपनी मदर के बारे में, आप क्या फील करते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि माँ का सवाल है, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, टेक केयर बच्चों, फिर मिलते हैं।